सौभाग्यशाली होती हैं वो महिला जिनके शरीर के ये हिस्से होते हैं बड़े या होते हैं ये निशान। हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। इसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। लंबे बाल, स्त्रियों के लंबे बाल उनके सौंदर्य के साथ ही भाग्यशाली होने की निशान है। यही कारण है कि देवी की प्रतिमाओं में उनके लंबे बाल दिखाए जाते हैं। लंबे बाल शुभता और भाग्यशाली होने के प्रतीक माना गया है। लंबे कान, महिलाओं के लंबे कान भी भाग्यशाली और सौभाग्यशाली बनाता है। स्त्रियों के लंबे कान उनकी लंबी उम्र को दर्शाने के साथ ही उनके सुख और ऐश्वर्य भी दिलाता है। लंबी मजबूत जांघ, वही जिन स्त्रियों की जांघ मजबूत और मसल युक्त होती है वो भी भाग्यशाली होती हैं। लंबे पैर, स्त्रियों के लंबे और मुलायम पैर माता लक्ष्मी के समान शुभ माने गए हैं। लंबे हाथ, जिन स्त्रियों के हाथ लंबे होते हैं वो सौभाग्य और ऐश्वर्य प्राप्त करती हैं। बड़ा सिर, बड़ा सिर भी स्त्रियों का भाग्यशाली बनाता है। लंबी गर्दन, स्त्रियों की गर्दन लंबी होना शुभ लक्षण माना गया है। लंबी गर्दन वाली स्त्रियां ऐश्वर्य को भोगने वाली होती हैं। जिस महिला के पांव की हर उंगली समान लंबाई की होती है वो महिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही हासिल करती हैं और वो अपने परिवार को हमेशा ही खुशहाल रखती हैं। जिन महिला के पैरों के तलवे के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बुद्धिमान और सूझबूझ वाली होती है। वो अपनी समझ और ज्ञान से अपने पूरे परिवार हर संभव सहायता करती हैं और परिवार में खुशहाली रखती हैं। महिला की नाक के अगले हिस्से पर तिल या मस्सा होना स्वयं ये बताता है कि किस्मत उस पर कितनी मेहरबान है। जिन महिलाओं के नींव के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है वो अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। जो महिला गोरी या सांवली रंग की होती है उसका चेहरा माथा चिकन होता है तो ऐसी महिलाओं को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। इन्हें शादी के बाद एक धन धान्य से परिपूर्ण परिवार मिलता है। ऐसी महिलाएं अपने कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।